Welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my blog channel ki link hogi description box mein. Namaste, this is Vijaya aur kaise hain aap? This is your sunshine in human form aur hum dekh rahe hain Singham again and Bulbulaya 3 roast. Mahesh, I already knew that at least Bulbulaya is not going to work. If you're not going to take Akshay Kumar, Vidya Balan ko liya, I'm very glad and happy, but you should have really retained jo original cast thi because it was such a huge deal. Kya original cast ne perform kiya tha? I mean, could have changed the whole different concept of it. To maybe chalta. I haven't seen it yet and I have absolutely no idea ki main kab dekhungi. OTT pe aayega tab sochungi. Because I'm a big fan of first movie, you know that. It's my favorite movie, literally. So, who knows? Yeah. Singham, though, I've only liked the first part of it. Uske baad mujhe ek bhi pasand nahi aaya tha. I'm not a big fan of the cop multiverse. We'll see. Let's see what he has to say. Welcome to annual Bollywood Roast Sabha. आई नो 2024 को भी दो महीने बचे हैं, लेकिन बॉलीवुड ने इतना कंटेंट दिया है खराब कि एक फ्लॉप रोस्ट तो बनता ही है। अगर आपको नहीं पता तो हम बीच बीच में ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं बॉलीवुड फ्लॉप्स का रोस्ट। अब मैं उन मूवीज को रोस्ट करूंगा जिनके प्रमोशन के लिए ना मुझे बुलाया ना उनको कोई देखने गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए मेरा फ्यूचर कोलैबोरेशन और बॉलीवुड का स्टारडम खतरे में डाल रहा हूँ, ठीक है? तो प्यार से देखो ये वीडियो। ये कुछ ऐसे एक्टर्स की भी बात करेंगे कि अभी तक अगर वो कंपनी में काम कर रहे होते तो लात मार के निकाल देते उनको। पहली मूवी सिंघम अगेन। यस, हमारी अपनी देसी एवेंजर्स। यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, दो कौड़ी का प्रवचन सुनने नहीं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? तेरी टीम का कांस्टेबल पैसों के साथ पकड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आईटी संपत्ति वर्दी उतार कर फेंक दूंगा। जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। गाड़ियाँ उड़ती है और गुंडों से ज्यादा स्क्रीन प्ले राइटर्स नशे में होते हैं। ऐसा लग रहा था पिक्चर देखते हुए लगातार 3 घंटे का टिकटॉक चल रहा है। कभी कोई स्लोमो में एंट्री मार रहा है, कभी कोई स्लोमो में एंट्री मार रहा है, बस उसमें स्टोरी नहीं है। देखो, मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बॉक्स ऑफिस हिलाने वाली मूवी अच्छी हो, और जरूरी नहीं कि रामायण से पैरेलल ड्रॉ करने पे हर मूवी अच्छी बने। रोहित शेट्टी देखो अच्छे डायरेक्टर है, ये तो हम सबको पता है, बहुत ही बढ़िया मूवीज बनाई है भाई। एक टाइम पे 100% हिट का रिकॉर्ड था और अभी थोड़ा डगमगा रहा है मामला, लेकिन है। कोई बात नहीं, सर्फर अच्छे हैं, मतलब जो नेशनलिज्म की वेव पे सर्फ करते हैं। सुनने में एक साल लगा ये मूवी बनाने में, जिसमें से 11 महीने सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे थे। बेसिकली इसमें कोई राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है जैसे अजय देवगन, कोई मतलब कोई करंट का लक्ष्मण प्ले कर रहा है जैसे टाइगर श्रॉफ, दीपिका शायद सूर्पनखा का रोल कर रही थी, पता नहीं। ऑनेस्टली रोहित शेट्टी ने ना एक्टर्स बुक नहीं किया, कॉम्बो ऑफर बुक किए। टाइगर के साथ जैकी दादा फ्री, रणवीर सिंह के साथ दीपिका फ्री, अजय देवगन के साथ पिचकारी फ्री। बहुत टाइम बाद अर्जुन कपूर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा सबको। मैंने मेरे को भी डिसेंट लगा, मतलब बाकी सब कुछ इतना खराब चल रहा है आसपास कि फिर ये भी अच्छा ही लगेगा। He's a really good personality. Should use their personality. क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से आते हैं। क्या सोच है भाई, ये तो फ्रेंड सिनेमा है। अक्षय कुमार की आगे भी और मूवीज की बात करें क्योंकि लिस्ट लंबी है इस साल की। पूरे मूवी में मेरे को समझ ही नहीं आया कश्मीर से श्रीलंका कैसे पहुंचे। बेस्ट सीन मेरे को वो लगा जब 4 पुलिस वालों को गुंडों ने मारा, लेकिन दीपिका आके हाथ से चारों को मारती है, थप्पड़ से चारों को मारती है। मतलब मैं समझता हूँ कि रोहित सर की मूवीज को लाइक आराम से दिमाग साइड में रख के देखना चाहिए, लेकिन इतना ऑनेस्टली अगर रिव्यू चाहिए तो मूवी बचा रणवीर सिंह ने मेरे हिसाब से। अगर रणवीर नहीं होता तो पता नहीं मूवी का क्या होता। देखने लायक मूवी बनी रणवीर की वजह से। और अगर और तुमको झटके चाहिए तो पोस्ट क्रेडिट सीन सलमान खान की एंट्री, ओ हो हो, जिस तरह से इसमें ना सिंघम का बीजीएम था, ना सिम्बा का बीजीएम था, ना सूर्यवंशी का, उसी तरह मेरे को लग रहा है सलमान खान भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था सलमान खान ने बिग बॉस के सेट पे शूट किया है और फिर एडिट में वर्दी डाल दिया है, या तो वर्दी वाले किसी को खड़ा किया फिर सलमान का फेस डाला, लेकिन पता नहीं क्या था वो। पूरे सीन में सलमान भाई एक इंच इधर से उधर नहीं हुए, वरना ग्रीन स्क्रीन खराब हो जाएगी। वो मेले में कटआउट होता ना जिसमें से मुंह डाल के वो करते, वैसा लग रहा था। कुछ मत करना,
कुछ मत करना, कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। कसम से भाई मैं थक गया हूँ ये मूवीज देख के। एंड सिर्फ मूवीज से थकान नहीं होती है, जनरली भी थकान होती है। देखा आजकल आप लोगों को ऐसा थकान जैसा लग रहा होगा, लैक ऑफ स्टेमिना, स्ट्रेस वगैरह होता होगा। तो मैं लाया हुई सिंघम 1 सिम्बा 1। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन है सिम्बा 2 से भारी भरकम, चाहे ये कितनी भी खराब हो, सिम्बा 2 फॉर द विन यार, कम ऑन। नेक्स्ट मूवी आई भूल भुलैया 3। यस, कार्तिक आर्यन ने एक और भूल भुलैया की क्योंकि उनको एक और मैकलारेन गिफ्ट चाहिए थी शायद। एक तो टी सीरीज वाले वोल्डेमॉर्ट बन चुके हैं बॉलीवुड के, एकदम डर लगता है नाम लेने से भी किसी को, कोई कॉपीराइट वीपीराइट ना आ जाए। इन्होंने सिंघम अगेन तक के राइट्स खुद के पास रख लिए थे, रोहित शेट्टी वहां पर ढमंग ढनम ढम कुछ तो जैसे हम लोग क्लेम बचाने के लिए म्यूजिक डाल देते ना पीछे, वैसे बेचारे रोहित भाई ने वो म्यूजिक चलाया कि कॉपीराइट ना लग जाए। क्या देखो क्या, रोहित शेट्टी भी सेफ नहीं है तो हम क्या आदमी है यार। इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। बट भुलभुलैया 3 देख के हो गया कि अब वो अक्षय कुमार वाली कॉमेडी नहीं हो सकती, ना कार्तिक भाई से ना अक्षय भाई खुद से। I swear this movie is legit go like नहीं नहीं वो हो ही नहीं पा रही। वो डिस्क्लेमर, आई लव कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन, क्या मूवी क्या एक्टिंग, बट ये जब कैरेक्टर्स, गाने, जोक्स, हर चीज पार्ट 1 और मीम से उठानी थी तो भुलभुलैया को कर देते रिलीज वापस। हाँ, वो विद्या बालन के झाड़ू बीड़ू मारने आई है, सेट साफ करने आई है, कभी सोफा उठाती कभी कुछ। फिर तृप्ति डिमरी है वही रीजन की वजह से जिसके वजह से उनको एनिमल और वो कौन सा मूवी आया था बैड न्यूज में लिया था। बट जेन्युइनली आई फील काश तृप्ति डिमरी के फोरहेड जितना उनका डायलॉग्स भी होता इसमें। हाँ, एक तो ये अंजुलिका जो लेके आते सब बंगाल से, क्यों लेके आते तुम लोग, क्या दुश्मन है तुम्हारा बंगाली लोग से? हमी तुम्हारा के बंगाली बहुत सारे अच्छे एक्टर्स मिला के भी एक खराब मूवी बना देते। इसमें भी अगेन नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी है जिसने क्रश कर दिया सबका दिमाग। मूवी में एक्चुअली स्टोरी 1997 की है यार, रिलीज भी तभी होनी चाहिए थी तो शायद देखना नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये लोग का वो वाला वीडियो लीक हो जाता है क्योंकि इन्होंने खुद ने बनाया होता है। यस, वो सीडी बनाते हैं, वो सीडी डीवीडी प्लेयर में ही भूल जाते हैं। यंग रेस लोग ना अपनी स्वागत का वीडियो बनाते हैं। वेट, और फिर बुढ़ापे तक मूवी कॉल्ड एक्सटेप, तभी तो देखो कितने खुश रहते हैं। इट्स लिटरली अरे पॉप अलग है। यहाँ कॉलेज के बच्चे 10 की सिगरेट पीते और 20 का मिंट खाते हैं छुपाने के लिए। तुम सीढ़ी भूल गए। इस मूवी में मलाइका शेरावत भी है भाई, मैं भूल गया इनका नाम, मलाइका शेरावत भी है, अर्चना पूरन सिंह भी है। इतना डबल मीनिंग जोक्स डाला है, डाल डाल के मूवी मीनिंगलेस ही बना दी पूरी। नेक्स्ट है अवतार वे ऑफ वाटर, नहीं बल्कि अवतार और बाहुबली की थोड़ी नाजायज औलाद देवरा। देवरा मूवी का वर्ड रिव्यू देने जाऊ तो वो नाटू नाटू से थोड़ा राइम करता है लेकिन बोलूंगा नहीं, आप बता दो कमेंट्स में। इस मूवी के जो एक्टर है जूनियर एनटीआर, आई लव हिम, अगर वो एक्टर ना होते ना माइकल फिलिप्स को ओलंपिक्स में हिस्सा भी नहीं लेने देते। ऐसे डाइव मारता है जैसे वेव पूल में डाइव मार रहा है, सब कुछ पानी में, पूरे मूवी में खाना पीना नहाना भी पानी में ही है, शार्क को भी ऐसे पीट रहे पानी में। अक्षय कुमार की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ऑनेस्टली अक्षय कुमार की मूवीज की बात करें अपना एक अलग वीडियो डेडिकेट कर सकते हैं इस पे। पहले ऐसा था कि भाई यूट्यूबर्स की वीडियोस जैसे अक्षय कुमार की मूवीज आती थी, अब उतनी फ्लॉप मूवीज आती है इतनी यूट्यूबर की वीडियोस आती है। इसमें प्रोड्यूसर्स ने प्रॉमिस किया था कि फिल्म 1100 करोड़ कमाएगी, पता नहीं क्यों। छोटे मियाँ चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड 100%। लेकिन ये सिर्फ 64 करोड़ कमा पाई, ये स्कूटी खरीद के सनरूफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। Yes, का बजट था 350 करोड़, जिसमें से 80 करोड़ अक्षय कुमार के थे। ये मूवी इतनी फ्लॉप गई कि प्रोड्यूसर्स को अपने बंगले बेचने पड़े। अक्षय पाजी यार, दूसरों के तो इंडिया में बंगले रहने दो, आप तो का तो। लेकिन सिर्फ ब्लेम अक्षय कुमार को देना सही नहीं है इसमें, टाइगर श्रॉफ भी थे। टाइगर ने भी सिर्फ गुलाटिया मारने के 40 करोड़ लिए। अरे पुराने फिल्म में से वीडियो निकाल के डाल देते, इसमें किसको समझता। डायलॉग्स तो ऐसे भी याद रहते नहीं किसी को। हाँ, वो फराह खान मैडम को देखो, बॉलीवुड छोड़ के यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, ये हालत देख के। इतना ही लोग मूवीज का इतना फेक रिव्यूज डलवाते, इतना इन्फ्लेटेड अर्निंग्स दिखाते हैं, इतना राइटर को दे दो, इतना पूरा ऐसा दिखाते हैं ये लोग, थिएटर फुल है, अंदर जाओ तो कोई नहीं रहता, ये खुद उगाया हुआ चावल खाकर जिंदगी निकाल लेंगे। अगली एक और अक्षय कुमार मूवी सरफिरा। अक्षय कुमार महीने में 3 हफ्ते शूट करते और 1 हफ्ता पैसा गिनने में निकालते। यस, इसी पैसे गिनने के लालच में डुबाई हुई साल की दूसरी फिल्म सरफिरा। आई नो आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगी कौन सी मूवी कब आई कब गई। ये मूवी ऑलरेडी एक रीमेक है हिट मूवी की, जिसका अमेजोन प्राइम पे हिंदी डब भी अवेलेबल है। तो मैं क्यों देखूं मूवी, मैं क्यों देखूं। इस पॉइंट पे लग रहा है ना अक्षय कुमार के सर पे कोई
घोड़ा रख के ना एक्टिंग करवा रहा है या कर तू बना पिक्चर तू सच्ची में रीमेक बंद कर दो बनाना। सबने देख ली है मूवीज, सबने देख ली है मूवीज, सबके पास एक्सेस है साउथ मूवीज का, सबके पास एक्सेस है फॉरेन मूवीज का, क्यों देखे मूवी? ऐसा लग रहा है जो स्क्रिप्ट आ रहा है अक्षय कुमार सबको हाँ बोल रहे हैं, हाँ ये भी कर लेंगे। 2014 चल रहा है, किसी के पास इंटरनेट ओटीटी है ही नहीं, विक्रम वेदा हिट हुई तो ये भी कर ही लेंगे लोग। अगली अक्षय कुमार की खेल खेल में ऐसा लगता है अक्षय कुमार जानबूझ के फ्लॉप मूवी देते ताकि फटक से थिएटर से निकल जाए और दूसरी उनकी मूवी आ जाए। खेल खेल में एक ऐसी मूवी जिसका 24 बार रीमेक बन चुका है। कुछ लोग अपने दोस्त के साथ एक शादी अटेंड करते हैं, उसमें रूम में एक गेम खेलते हैं कि यू नो कौन चीट कर रहा है, किसके फोन में नोटिफिकेशन आएगा, ये वो ये। मैंने पूरी मूवी देखी, आई लाइक इट, डिसेंट मूवी है ये। अगर मैं होता तो मेरे को तो सिर्फ QR कोड आते भाई, पेमेंट भाई पेमेंट। मेरे को लग रहा है ये वीडियो रिलीज होने से पहले एक और पिक्चर आ जाएगी अक्षय पाजी की। देखो अक्षय पाजी एक मस्त वाली टिप देता हूँ, सीधा हेरा फेरी आनी चाहिए अब, सीधा सच्ची बता रहा हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल इंस्टाग्राम पे फोटो भी आना नहीं चाहिए, सीधा हेरा फेरी 3। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स बाइक के EMI भरने के लिए अक्षय कुमार की रिजेक्टेड स्क्रिप्ट उठाने वाले जॉन इब्राहिम की वेड़ा मूवी जो थी वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बनाई थी, लेकिन मूवी देखने में किसी कास्ट ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सबने नहीं देखी। अगर इस मूवी में और सत्यम एवं जयते में कोई डिफरेंस है तो वो सिर्फ टाइटल का। इस मूवी में जॉन भाई बॉक्सिंग सिखाते एक लोअर कास्ट लड़की को, लेकिन फिर लड़की थोड़ी बॉक्सिंग करेगी। जॉन इब्राहिम मूवी में तो क्या एक्टिंग करवाएंगे उनसे? नहीं ना, फाइटिंग और क्या, थोड़ा चिल्लाना विल्लाना है हर मूवी की तरह। इतने डिलीवरी आ रही है, जॉन भाई आ गए घर पे। इस मूवी में जॉन भाई आर्मी वाले तो ऑफ कोर्स पूरे गांव के गुंडों को एक हाथ से मारेंगे। एक तो ये हर मूवी में जॉन के फैमिली वालों को क्यों मारते हैं? फोर्स में बीवी मर गई, शूट आउट एट वडालम में भी मर गई। नेक्स्ट बात करते हैं युद्धरा मूवी की, नहीं मालूम ना कौन सी, पता था ये सिद्धांत चतुर्वेदी युद्धरा। कभी कभी लगता है कि नेपोटिज्म ही सही था, नहीं बट नॉन नेपो किड भी घटिया मूवी बना सकता है, कोई नहीं। युधरा एक जॉनर बेंडिंग मूवी थी जिसने सारे जॉनर्स को तोड़ मड़ो डाला। युधरा कहानी एक ऐसे जवान की जिसे जवानी देखने से पहले आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। ये मूवी मुंबई से मैड्रिड और मैड्रिड से सीधा गटर में लेके जाती है। मेरे को पता नहीं मुश्किल सबसे ज्यादा क्या ढूंढना होगा, ये मूवी का मीनिंग या गली बॉय के बाद सिद्धांत भाई का करियर। नेक्स्ट मिस्टर एंड मिसेस माही, यस बहुत ही क्यूट मूवी, स्वीट मूवी, लेकिन फ्लॉप। एक तो क्या ओटीटी में जाता है ना मूवी तो समझता नहीं कि फ्लॉप है या हिट, तो जिसका डाउट होता है ना कि हमारी मूवी हिट होगी या फ्लॉप, वो ओटीटी पे डाल देता है सीधा। अब माही सुन के सब लोग थाला फॉर अ रीजन करने लग गए थे। ये मूवी बेसिकली हर एक उस बच्चे के सपनों पर आधारित थी जो इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन इन्होंने उस सपने का पान बनाकर नॉन स्पिट वाली दीवार पे थूक दिया। राजकुमार राव बेसिकली एक फेल्ड क्रिकेटर होता है जो अपनी क्रिकेटर बनने का सपना अपनी वाइफ के थ्रू पूरा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो गली क्रिकेट में अच्छा खेलती है। मूवी वालों को कुछ मालूम नहीं कैसे क्रिकेट खेलने, कैसे सिलेक्शन होती है, इतना घमासान प्रोसीजर है इंडियन टीम में घुसने का, कुछ नहीं। हाँ, इस मूवी में राजकुमार राव के पापा कहते हैं कि अपना पैशन छोड़ और दुकान पे बैठ। खास राइटर को भी उसके पापा यही बोलते हैं, हंसेंगे लोग कहेंगे। जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में भी बोला कि उनको जर्सी का नंबर 6 नहीं 7 चाहिए था, बिकॉज वो माही जी को ट्रिब्यूट देना चाहती थी। इस साल मेरे को लगता है 2 रिटायरमेंट आएगी, माही जी की क्रिकेट से और मिसेज माही जी की एक्टिंग से। हीरा मंडी, अब हीरा मंडी मूवी नहीं थी, सीरीज थी। मेरा पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर है बॉलीवुड का संजय लीला भंसाली, ओके पहले ही बता दूं। मूवी ये सीरीज के बारे में सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक भंसाली जी की दूर की रिलेटिव शर्मिन सहगल ने अपना मुंह नहीं खोला था। संजय जी ने बेसिकली ऐसा लगता है कि रिश्तों की दरार से बचने के लिए इनको कास्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो शर्मिन ने वेब सीरीज से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया है वो उसको अडल्ट साइज डायपर भी नहीं संभाल सकते भाई। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना लीजिए, जलने को है तैयार हूँ, परवाना बना लीजिए। जितने एक्सप्रेशंस इंटरव्यू में आए काश उतने सीरीज में आ जाते। शर्मिन ने लिटरली इंटरव्यू में आके कंप्लेंट्स की कि कैसे दूसरे एक्टर्स पंक्चुअल थे, डायरेक्टर की बात मानते थे और मैं नहीं। अकॉर्डिंग टू यू टुक द मोस्ट टाइम टू गेट रेडी फॉर द शॉट? Somebody who's not here. Somebody. Sharmin. Yeah, she knows it and she says it herself. I think Manisha ma'am took more time than Sharmin. I don't think she takes like lots of time to get ready. उनकी उसके बाद जिगरा मूवी आई आलिया भट्ट की, जिसको रिव्यूज बहुत अच्छे मिले लेकिन जिगरा मूवी बेस है जेल ब्रेकआउट पे, जहाँ एक बहन अपने भाई को जेल से ब्रेकआउट करती है।
छुड़ा के लेके जाती है और दूसरी तरफ सावी जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड को छुड़ाती है। तो सावी मूवी की लीड दिव्या खोसला कुमार ने करण जौहर को अक्यूज किया प्लॉट चुराने के लिए, लेकिन ये गलत है। करण सिर्फ आउटसाइडर्स का करियर चुराता है, ये सब नहीं करता भाई। दिव्या जी ने स्टोरी वोरी लगा दी इंस्टा पे कि ये देखो थिएटर में कोई नहीं आया, आलिया भट्ट और करण जौहर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम यूट्यूबर भी तो 10 अलग अलग अकाउंट से लाइक करते हैं हमारी वीडियो। ऐसा लफड़ा एक्सपर्ट मेरे को लग रहा है ताकि दो दिन और मूवी को याद रख सके। बट इसके चलते ऐसा हुआ कि ऐसा सुनने आ रहा है कि रणबीर कपूर ने एनिमल पार्क से बैकआउट कर लिया बिकॉज वो टी सीरीज की मूवी थी एंड दिव्या खोसला कुमार एंड टी सीरीज एंड आलिया भट्ट एंड आलिया भट्ट रणबीर की वाइफ एंड समझ रहे हो ना। तो नोबडी गेस बट सबसे हिट क्या हुआ ये साल, इस साल बहुत सारे री रिलीज देखने मिले, जैसे रॉकस्टार रहना है तेरे दिल में, तुम बाढ़, लैला मजनू एक्सेट्रा। अब इसे लव फॉर बॉलीवुड कहे या मजबूरी मेरे को नहीं समझ रहा है, या वो बड़े अच्छे लगते है सीरियल कब भी वापस आ रहे हैं, हद हो गई भाई नया बनाओ। एनीवेज भाई कौन सी मूवी मिस आउट हो गई जो फ्लॉप थी इस साल की, जो आपने देखी है नहीं पसंद आई मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड चैनल को आई हैव हार्डली सीन मूवीज दिस होल ईयर फ्रैंकली, मतलब नई वाली स्पेशली। आई थिंक द लास्ट मूवी आई सॉ वाज डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन एंड इट वाज अमेजिंग। लेकिन आई हैव टू से दिस, हां मुझे ये बोलना था कि इट्स नॉट जस्ट द एक्टर्स हु आर रिलीजिंग द मूवी, इट्स द राइटर्स, द डायरेक्टर्स, द स्क्रिप्ट, लाइक no wait cinematographers, the people who like, not every single person who goes behind the whole set as well, kyunki agar same actors bahut achi acting kar rahe the pehle to it's not like wo bhul gaye acting, it's never possible, it's the way how are you using your actor the way you are taking, like for example you take Tiger Shroff and you make like a soft romantic movie, achi ban sakti hai but makes sense ki agar wo ऐसी कोई मूवी करे जिसमें ही इज बीइंग यूज्ड एज इज बेस्ट प्लस एट द सेम टाइम यू पुट रोमांस, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, दैट्स व्हाई अक्षय कुमार ऑलवेज हैड मूवीज लाइक खिलाड़ी एंड स्टफ, ही हैज डन लॉट ऑफ अदर्स कॉमिक एज वेल, बट सेइंग हाउ शाहरुख खान हैज ऑलवेज बीन इन द रोमांटिक मूवीज एंड रोम कॉम्स, राइट, यू नीड टू नो हाउ टू यूज योर एक्टर्स। इफ आई एम कोरियोग्राफिंग समवन तो मुझे पता होना चाहिए कि उनकी स्पेशलिटी क्या है, हाउ टू यूज देम, सो इट्स नॉट जस्ट एक्टर्स। अगर एक्टर्स को पहले एक्टिंग करना आता था और सेम एक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल राइट नाउ, देयर मस्ट बी अदर रीजंस एज वेल। सो टू ओनली ब्लेम द एक्टर्स बिकॉज दे आर ऑन टॉप इज इन द राइट थिंग, एंड टू ओनली ब्लेम द एक्टर्स फॉर गुड थिंग्स क्योंकि वो दे आर ऑन टॉप इज ऑल्सो नॉट द राइट थिंग। This is what I want to say, and I don't knew about Bhulbhulaiya. Bhulbhulaiya 2 was literally, I want to say it in the best words possible, trash. I don't know kaise chali itni movie, but it wasn't good at all. I was very disappointed with Bhulbhulaiya 2 as well, even more disappointed with public who loved it so much. But theek hai, people's choice, they can do whatever they want. I haven't seen any of these movies, and I'm very glad that I haven't. Khel Khel Mein is something okay, and it also is similar to a lot of movies made, lekin still interesting, so I'll see if I want to see it or not, but anything else I loved. Yeah, I think Bollywood just needs to bring something crazy for it to like start again, come back karne ke liye setback hua hai, but we still had not so bad movies as well in 2024 unlike 2023, so that's a good point I guess. Anyway, if there's any movie I have not seen and you think I should watch, maybe kahin se bhi ho, let me know in the comments and we'll probably see it. Bye, love you.